सो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ सॉलिड, कोई भी सॉलिड जो हमारे पास अभी बना हुआ है, हमारे पास जो मौजूद है, उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार 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 वही यूनिट रिपीट हो रही होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट्स है। जैसे कि अभी जो प्रीवियस डायग्राम बना था, उसकी जो रिपीटिंग यूनिट थी वो क्या थी? एक क्यूब, क्योंकि यही क्यूब है जो बार 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 हमें यही स्ट्रक्चर बार 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 देखने को मिल रहा था। देखो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक क्यूब है, नेक्स्ट क्यूब, नेक्स्ट क्यूब, नेक्स्ट क्यूब, नेक्स्ट क्यूब, तो ऐसे ही बहुत सारे अरेंजमेंट मिलते जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बन जाता है। सो जो सिंगल यूनिट, एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो बार बार सॉलिड्स में हमें दिखाई दे रही है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सो अब यूनिट सेल्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा एक यूनिट सेल बनाती हूँ, यूनिट सेल। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक यूनिट सेल है। ठीक है, अब हम यूनिट सेल के किसी भी एक लैटिस पॉइंट को देखते हैं, किसी भी एक लैटिस पॉइंट को देखते हैं। जैसे एक ये पॉइंट है, ठीक है, सब जगह पर है, एट पॉइंट है। अगर हम एक सिंगल पॉइंट को कंसीडर करें, जैसे हम इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक तो ये है, ये आपको एक दिखाई दे रहा है, एक ये आपको क्या दिखाई दे रही है, ये किसकी एक लेंथ दिखाई दे रही है, राइट। हम सिर्फ इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, अभी हम बाकी सारे पॉइंट्स को नहीं देख रहे। सिर्फ हम सिर्फ वन पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी हाइट है। इसको हाइट को मेजर करने के लिए जिसको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम ए नाम दे देते हैं। ठीक है, उसी तरफ इस तरफ जो पॉइंट है, ये इसकी क्या मेजर कर रहा है, लंबाई को मेजर कर रहा है। अभी ये ऊंचाई मेजर कर रहा था ये, अभी ये इसकी लंबाई को मेजर कर रहा है। तो अगर हम इसकी लंबाई को मेजर करते हैं और इसको हम क्या नाम दें, इसे हम सी नाम दे देते हैं, चलो सी नाम दे देते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसकी ब्रेथ को दिखा रहा है, इसकी चौड़ाई को दिखा रहा है यहाँ पर, उसे हम बी पॉइंट दिखा देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी पॉइंट को बाहर ड्रॉ करूँ, अलग से ड्रॉ करूँ, तो ये कुछ ऐसे होगा कि जस्ट एक सिंगल लेटस, एक सिंगल पॉइंट, देन एक एक्सेस हमें इस तरफ दिखाई दे रही है, एक एक्सेस हमें इस तरफ दिखाई देगी, और एक जो लास्ट एक्सेस है जो कि वो कि हमें कहाँ दिखाई दे रही है, हमें ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, मेनली वो होता है जो 3D स्ट्रक्चर है, तो एक प्लेन में दो स्ट्रक्चर होंगे और तीसरा हमें उसे उस प्लेन से बाहर दिखाई देगा।